हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम का सेट वन का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। और पहला प्रश्न है कि 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो बहुत खूबसूरत प्रश्न है, इस सारे एक सेट नंबर वन में जो दिए हैं सारे प्रश्न ही बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। उसको आप लोग देखेंगे बार बार। 1240 के भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले 10 का ये 0 हटा देंगे तो 10 निकल जाएगा। 10 का मतलब 2 × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप 4 से भाग देंगे, 34 12 4 1 1, यानी कि 4 2 × 5 और 1 31 है यहाँ पे। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 और 31 के पावर 1 लिख सकते हैं। और भाजकों की संख्या जब निकालना हो तो पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, और 31 के पावर 1 है तो 1 + 1, यानी कि टोटल यहाँ से अगर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 4 × 8 × 16, यानी कि भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 16। जैसा आप लोग देख रहे हैं सभी लोग क्लियर होंगे। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं कि यहाँ से आपको एक शून्य हटा देना है, ये गलती से है टाइप। यहाँ से 10,500 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 100 हटा लिए तो ये हटा दीजिए। और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 चौक का 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। अब इसको जब लिख दिए आप, ध्यान से सुनेंगे इसको कैसे लिखें। 10 को 2 × 5 का ये स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालना हमको बस 105 का, तो 105 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 × 9 = 3, 5 और 5 से भाग देंगे तो 7। यानी उधर आया 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, इधर आया 3 × 5 × 7, तो 2 का ये हो गया स्क्वायर और 3 × 5 का हो गया क्यू, देखिए। और 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1 आया कि नहीं आया। प्रश्न को छोटा कर देते हैं। अब प्रश्न में भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे 2 1 3 हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ना था, और 3 1 4 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। 34 12 × 24 × 48। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था कि 1 और 10,500 को हटा देना है, यानी दो संख्या को छोड़ना है, तो छोड़ देंगे दो संख्या। जो काटने वाला है यानी कि कितना आ जाएगा, 46। कितना आ जाएगा, 46। क्लियर है सब लोग? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 3 नंबर। 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है, ये प्रश्न दिया हुआ है और आपको बनाना है इसको। तो 75 को लिख सकते हैं, पहले ये बताइए 5 का स्क्वायर × 3, 25 × 3 = 75, और पावर में 8 है इसको लिख लेंगे 3 के पावर 8, और पावर है तो 8 × 16 होगा, यानी कि 5 के पावर 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बता दो। तो कह रहा कुल संख्या कितने भाजकों की, तो पावर में 1 जोड़ लो, 8 है 1 9 हो जाएगा, और यहां से जोड़ लो 16 1 17 और गुना कर लो 153, तो भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 153, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न में 4 नंबर में, 162 के पावर 15 के भाजकों की संख्या कितनी है। तो 162 को आप तोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 2 से पहले तोड़िए 8 1, और फिर यहां से 3 से तोड़िए। अब तो 3 के पावर 4 लिख ही सकते हैं इसको, तो 9 से तोड़ लीजिए या 3 से जो मन करे। 9 से 9 × 9 तो 2 × 9 × 9, तो इसको 81 को ऐसे भी 3 के पावर 4 लिख सकते थे इसको, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है। तो भाजकों की संख्या है तो यहाँ से 1 जोड़ लेंगे, 1 1 2, पावर में भाजकों की संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ कर गुना करना है। 4 1 5, 5 × 10, यानी भाजकों की संख्या कितना आएगा, 10, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि 35 के पावर 5
और 21 के पावर 6 यही है। तीन, सुनिए, 35 को 5 गुने 7 लिख सकते हैं और पावर में क्या है 5, ध्यान से सुनते रहेंगे। और 3 गुने 7 के पावर 6, इसको जब तोड़ेंगे तो 5 के पावर ये 5 होगा, 7 के पावर 5 हो जाएगा, और 3 के पावर 6, 7 के पावर 6। अब यहां मुझे बताइए कि 3 के पावर 6 तो निकल गया, 5 के पावर कितना निकला 5, और 7 के पावर कितना निकला तो 6 व 5 11 निकल गया, 7 के पावर 11। ठीक है, भाजकों की कुल संख्या निकालना था तो 6 व 1 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा। तो यहां से वर्षक 72 में 7 से जब आप गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 49 एक 50 यानी कि 504। भाजकों की संख्या यहाँ पे कितना आएगा 504। ठीक है, देख लेंगे एक बार आप लोग। अगला प्रश्न आते हैं 6 नंबर, क्या कह रहा है 1280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा एकदम पहले जैसा ही बनाना है। 1280, तो 1280 को 10 अलग कर देंगे तो 128, 128 को 2 के पावर 7 लिख सकते हैं और 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं तो 2 अगुने 5। ठीक है, और 2 के पावर 8 और 5 के पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बता दो मुझे। अब इसका सम का कह रहा है कि सम का एक निकालना है भाजकों की संख्या और एक विषम निकालना है। तो सम निकालने के लिए ना दोस्त ये सम वाला ऐसे ही ले लेंगे और विषम में एक जोड़ देंगे। ठीक है, सुनेंगे बार बार देखेंगे इसको। 8 को सीधे रख लेना है और विषम में एक जोड़ देना है, 8 दूनी 16, ये किसका आया सम का, और विषम का कितना आएगा जरा ध्यान सुनिएगा। विषम वाला में तो ये सीधे हटा देना है, सम वाला जितना भी है उसको हटा दीजिए, और यहां से विषम वाला में पावर एक है तो एक जोड़ लीजिए, बस हो गया। तो 16 और 2 आंसर आपका डी नंबर चल रहा होगा, देख लेंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि 1280 के 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या, सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या निकालना है। 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या, 860 को 10 निकाल देंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा और इसको हटा दीजिए और बाकी यहां से 2 से भाग दीजिए, 2 4 आइए 3। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 यहाँ मिला और 2 गुने 43, तो 2 का स्क्वायर 5 के पावर 1 और 43 के पावर 1। ठीक है, अब क्या है प्रश्न ना कि सम और विषम, तो सम पहले निकाल लेते हैं। सम में क्या बोले थे कि सम वाला को सीधे 2 रख लेना है और विषम में 1 जोड़ देना, 1 1 2 और 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। और विषम निकालना है तो क्या करना है ये बताइए कि विषम में सम वाला सीधे हटा दीजिए और 1 1 2 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 8.4 आंसर जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न अब देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न दिखा देते हैं आपको। 8 नंबर प्रश्न में आ जाइए आप लोग, 45 के पावर 6 के सम और विषम भाजकों की कुल संख्या निकालना, ध्यान से सुनेंगे। 45 के पावर 6 यानी कि इसको हम तो लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर अगुने 5 के पावर 6, हाँ या ना बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3 के पावर ये कितना हो जाएगा 12 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 6, 9 5 45 ये पावर में जाएगा, गुना हो जाएगा। अब कह रहा है सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या, तो सम तो इसमें है नहीं, 45 में अगर निकाला जाए तो कोई सम काटेगा नहीं, तो सम भाजकों की संख्या 0, लेकिन विषम भाजकों की संख्या अगर निकालना हो तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 12 1 13 और 6 1 7, 63 61 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 91। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग कि जब सम है ही नहीं तो केवल विषम निकालना है आपको, तो ये पावर में 12 1 13 और 6 1 7 दोनों को गुना कर दीजिए, हो गया। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक भाजकों की न्यूनतम संख्या है, कौन है जो सबसे कम भाजकों की संख्या देगा। तो
42 का दो फैक्टर है, 91 का भी दो फैक्टर, 63 91, लेकिन 11 का एक ही फैक्टर है, इसलिए भाजकों की संख्या ना सबसे कम देगा, खुद से और एक से कटेगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है 1848, ठीक है। तो आप ध्यान सुने, संयुक्त कौन कौन है ये आपको चेक करना है, मेरे साथ चलेंगे। पहले 1848 निकालिए, फैक्टर तोड़िए इसका, पहले 4 से 4 चौक 16 हासिल, 2 और 4 6 24 और 4 2 8, अब 2 से 2 2 4 और 2 से 2 3 6 2 1 1, 3 से 3 7 21 और 3 7 21, 7 से 7 से 11, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 8 है तो, और 3 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1। अब ना दोस्त, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कह रहा है, विषम विषम को कह रहा है, विषम को ध्यान से सुनना है, सम तो हटा ही देना आपको, और एक एक जोड़िए 2 पावर में 1 जोड़िए 2 और 1 जोड़िए 2, 8 होगा, और संयुक्त है, संयुक्त मतलब कि 2 संख्याओं का मिला हुआ, तो 2 संख्याओं का मिला हुआ। देखिए 1848 को तो काटने वाला यहां से अभी निकाले ही, आप देख सकते हैं कि 1 तो 2 काटेगा भी, 3 भी काटेगा, 7 भी काटेगा, यानी कि संयुक्त कौन कौन नहीं है, 1 संयुक्त नहीं है, और 2 का मेंशन नहीं करना, विषम निकाले हैं, तो 3 भी काटेगा, 5 भी और 7 भी, 9 के बाद सब है, 11 है, देखेंगे 11 से भी ये कट रहा है, जरा सावधानी से, 11 भी है जो संयुक्त संख्या नहीं है, बाकी आगे जो आएगा वो सब संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि 13 तो है नहीं कि काटेगा इसको, तो 13 का मेंशन ही करना बेकार है, तो 2 हटा ही देना, सम लेना ही नहीं था, विषम संयुक्त है, तो विषम संयुक्त जब कह रहा है तो सम को लेना है कि विषम को, ये तो आपको डिपेंड आप पे करता है, तो 11 तक लेना है, 1 2 3 4 और 5 संख्या को आपको हटा देना है, कितने संख्या को, 5 संख्या को जब हटा देंगे तो कह रहे संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी, 3, संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी, 3, ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात, एक बार फिर से सुनिए, 1848 को काटने वाला पहले संयुक्त कौन कौन है, 1 2 3 5 7 11 13, ये सब संयुक्त संख्या नहीं, 13 17 19, तो 13 17 19 तो उसको काटेगा ही नहीं, लेकिन 11 निकला था ना तो वो काटेगा, 7 भी काट रहा था, 5 भी काट रहा था, 3 भी काट रहा था, 2 तो लेना ही नहीं क्योंकि सम है, तो विषम से वो पूछ रहा था, तो 1 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हैं जो विषम भाई है उसको काटने वाले, 8, और 8 में संयुक्त संख्या को लेना है, तो संयुक्त कौन कौन नहीं था, 5, तो 8 में से जब 5 घटा दिए तो कितने हैं जो कि काटेंगे, 3, कंप्लीट तो हो अब सब लोग। चलिए आते हैं टाइप 2 का पहला प्रश्न में, क्या है पहला प्रश्न कि 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, 420 को 10 यहां से निकाल लेंगे तो 0 बच खत्म हो गया, और 2 गुने 5, फैक्टर तो निकालने आता ही होगा, अगर पूरा तोड़ेंगे तो भी वही आएगा, तो 6 गुने 7 यहां से लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 7 को 7 छोड़ देंगे, या 2 गुने 5 यहाँ पे है, 2 गुने 5, 10 का पहले से तोड़ के निकाल के रखे थे, 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 3 पहले लिख लीजिए अच्छा लगेगा, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, भाजकों का योगफल निकालना था, कुछ करना है नहीं, बस आपको पावर में देखिए कैसे करना है, जरा ध्यान से सुनना है आपको, ये तो आपके पास है ही पीडीएफ में, पावर में ना 1 जोड़कर यहां से 1 घटा लेंगे और गुना कर देंगे, 3 1 पावर में 1 जोड़ दिए, क्लासरूम में पढ़ाए हैं आप लोग, कॉपी निकालेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा,
पांच माइनस एक सात, एक प्लस एक माइनस एक सात माइनस एक। यहां से ना जब हम जोड़ेंगे, यहां से जब हम जोड़ेंगे तो दो के पावर तीन आठ हो जाएगा, आठ में से एक गया सात बटे, ये तीन का स्क्वायर नौ में से आठ, एक गया आठ दो, और पांच का स्क्वायर पच्चीस में से एक गया चौबीस, और पांच में से एक गया उनचास में से एक गया अड़तालीस बटे छ। अब इसको ना कटा दीजिए, दो से चार, चार से छ और छ से आठ, अच्छा अड़तालीस और सच्चौक अट्ठाईस, अड़तालीस में जब अट्ठाईस से गुना करेंगे तो चौसठ हासिल छ, बत्तीस और सोलह, अड़तालीस अड़तालीस और छ चौवन हासिल पांच, और चार दो आठ पांच तेरह, तेरह सौ चौवालीस जो कि सी नंबर ऑप्शन है आपका। दिखा देते हैं, पावर में एक जोड़ कर घटा देना है, कैसे निकाले उसको दो तीन बार देखेंगे, क्लासरूम में बताया हुआ है। यहाँ देखिए 1344 आंसर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं कि 1520 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें एक को छोड़कर, एक को छोड़ देना, एक को छोड़कर ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे और वही तरीका अपनाएंगे जो पहले अपनाए थे। 1520 है तो 10 हटा देंगे, 2 गुने 5 लिख देंगे और इसका काम खत्म। 4 से भाग देंगे, 34 12 4 8 32, 2 से 19, तो ये 4 गुने 2 गुने 19 उधर है आपका 10 का 2 गुने 5, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 2 दो बार और 1 तीन बार, 1 4 बार, और 5 एक बार, और 19 कितना बार, 1 बार। तो जब इसको निकालेंगे तो भाजकों की संख्या हमको मिल जाएगा। देखिएगा कैसे, पावर में एक जोड़ना है और घटाकर एक और दो माइनस एक, और यहाँ पे है पांच के पावर एक प्लस एक माइनस एक, पांच माइनस एक, और यहाँ पे है उन्नीस के पावर एक प्लस एक माइनस एक, उन्नीस माइनस एक, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब बताइए इसको लिखेंगे, बत्तीस में से एक गया इकतीस बटे एक, पच्चीस में से एक गया चौबीस बटे चार, और ये 361 में से 360 बटे 18। अब बताइए 18 दुनी 36 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 6 दुनी 12 से अगर आप गुना करेंगे, इसका काम खत्म है। यहाँ देखिए इसका काम है, 6 दुनी 12 एकम 12 हासिल एक, और ये 12 तीन 36 एक 37, 3720 आया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि योगफल को एक को छोड़ देना है, कितना को, एक छोड़ देना है, एक जब घटा देंगे तो 3719 आ जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, सभी भाजकों का योगफल एक को छोड़कर, तो एक लेना ही नहीं था इसलिए एक माइनस कर दिए। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत सुंदर। तीन नंबर प्रश्न में आते हैं, चलिए प्रश्न नंबर तीन देख सकते हैं आप लोग। 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका कुछ करना नहीं, बस एक फॉर्मूला लगा देना आपको। पहले भाजकों की संख्या, जो ये संख्या उसको रख लो, और भाजकों की संख्या जो आएगा, भाजकों की संख्या में बस दो से भाग दे देना है, काम फिट है यहां से। तो 1280 को लिख सकते हैं 10 इधर साइड में, और 128 बच गया 2 के पावर 7, इधर 2 गुने 5, तो 2 गुने 5 यहाँ से अगर इसका लिख दिए तो ये 2 के पावर 8 गुने 5 हो जाएगा। तो भाजकों की संख्या तो आप निकाल ही लोगे ना, 8 है 1 9, और यहाँ से 1 है तो 1 1 2 9 दूनी 18, और 18 में जब 2 से भाग देंगे तो 9 बचेगा, तो ये 1280 के पावर कितना आ जाएगा, 9, यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। देख लेंगे प्रश्न में, ऑप्शन में एक बी नंबर ऑप्शन है जो 36 है और 4 नीचे है, तो 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, ये बताइए। 4 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। तो सेम प्रश्न आपका अगला भी है, इसको देख लेंगे। चलिए प्रश्न है 360 के सभी भाजकों का गुणनफल फिर ज्ञात करना है, कुछ करना नहीं आपको, बस वही प्रक्रिया। 360 को लिख सकते हैं 10, और 10 को लिख देंगे 2 गुने 5, और ये बचेगा 36, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर 9 चौका 36, तो ये 3 के, देखिए 2 के पावर ये एक और गुना है यहाँ से, तो 3 हो जाएगा 2 के पावर 3, और 3 का स्क्वायर है, और ये 5 के 5 बचा 1 है पावर। तो भाजकों की संख्या पहले बता दीजिए आप लोग, तीन एक चार हो जाएगा,
और दो एक तीन, एक एक दो, 34 12 2 24, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं था, फिर वही प्रक्रिया जो पीछे बताए थे, पावर में 2 से भाग देना है, तो 360 और 12 आया, कितना आया 24। 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 360 के पावर 12, देखिए ऑप्शन बी नंबर चल रहा है। क्लियर है सब लोग, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि वही पीछे वाला ही प्रश्न है कि 40 और 96 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो 40 और 96 को आप पहले ये बताइए, 2 के पावर 5 32 लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 कितना लिख सकते हैं 64, 2 के पावर 7 क्या लिख सकते हैं 128, 2 के पावर 9 256, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024, 2 के पावर 11 2048 और 2 के पावर 12 4096। तो 2 के पावर 12 आ गया। अब 2 के पावर 12 है, सबसे बड़ा चीज है कि समभाजक को, तो इसमें तो विषम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 40 96 सब सम से बना हुआ है, तो बस भाजकों के लिए 12 + 1 - 1, और बचे 2 - 1, 2 बटे 2 - 1 कर लेंगे। ये तो क्लियर है, यही है ना रूट, आगे कोई संख्या है नहीं। तो 2 के पावर 13, तो 2 के पावर 13 यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 1 19, और 8192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8192 और -2 - 1, तो 8192 हो गया, ठीक है। अब रुक जाइए, एक एक ऐसा संख्या था, एक तो सबको काटता है, तो एक ऐसा एक संख्या था जो एक हमको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 8192 में से एक यहाँ गया, 8192 में से एक गया यहाँ, तो 91 आ जाएगा। ध्यान सुनेंगे, 8191 ये घटेगा ना, इसका मान 8192 था, -1 किए तो 8191। और एक ऐसा एक संख्या होता है जो सब में काटेगा, तो इसको एक काटा होगा जब निकाले होंगे, तो एक हटा देंगे तो 8190 आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लेंगे, ये पहले मुझे बता दीजिए कि 2 के पावर 13 को 8192 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 13 को 8192, और यहां से लिख सकते हैं, और वो कितना आया था 12, तो 12 + 1 - 1 का 2 - 1, 8192 और -1 का 1 हो गया, यानी 8192 तक तो क्लियर है, 1 हटाएंगे 91 तक आप क्लियर है। अब जब ये काटने का प्रक्रिया होगा तो 1 काटेगा 2 काटेगा 4 काटेगा 8 काटेगा, इसको 16 काटेगा 32 काटेगा 64 काटेगा, इस तरह से। तो जब योग निकालेंगे तो 1 भी तो इंक्लूड था, तो जब 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8190। अब तो क्लियर हो गए होंगे सब लोग। चलिए बहुत सुंदर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है कि 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 और 6 के पावर 7, 3 के पावर 8, 5 के पावर 17 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक। तो दोनों को सुनना, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक दोनों के बारे में सुनना है, कैसे निकलेगा। देखिए यहां से 2 के पावर 10 है तो रहने दीजिए, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 के पावर भी 7 आ जाएगा और 3 के पावर भी 7 आ जाएगा, 3 के पावर 8 है और 5 के पावर 17 है, तो 2 के पावर हो जाएगा 10 + 7 = 17, 3 के पावर 8 + 7 = 15 और 5 के पावर 17, ठीक है। कर अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो देखिए पावर को जोड़ दीजिएगा तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे आएगा, पावर को जोड़ देना है, पावर को जोड़िए 17 17 34, 34 5 39 10 49। अभाज्य भाजक किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य भाजक किसे कहते हैं, तो जो नीचे वाला है ना उसको ले लीजिए, यानी कि नीचे वाला ये कितना था नीचे, यहाँ पे 3 था, 3 के पावर 15 था, तो 1 2 और 3, यानी कि 3 है ऐसे अभाज्य, 2 एक अभाज्य और 3 और 5, जो कि केवल 3 ही अभाज्य थे जो कि आपको इसको काटने वाला है, तो यानी 49 और कोमा 3,
यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? सब लोग क्लियर चल रहे होंगे, चलेंगे आगे प्रश्न में। देख लीजिए, यहां से इसको एक जीरो को हटा देंगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो आसान हो जाएगा। 3 0 3 0 मुझे बनाने का जरूरत नहीं, आप खुद से बना सकते हैं। 10 यहां से निकाल देंगे तो 2 × 5 बचेगा। अब इसको जब 3 0 0 3 को आप 3 से भाग देंगे तो 1 0 0 1 आएगा, 7 से भाग देंगे 7 × 1 = 3 आएगा, 7 × 28 2 आएगा, 70 = 21 11 से भाग दीजिए 11 × 1 = 33, ठीक है? आपको कुछ करना नहीं है, बस वही रूल, वही कंसेप्ट, वही थ्योरी सब लगाते जाना है। 2 × 5 इसको लिख देंगे, 10 को तोड़े थे, और यहाँ पे 3 × 7 × 11 × 13 यानी 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1 और 13 के पावर 1। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, तो अभाज्य गुणनखंड बस पावर को जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6, बस पावर को जोड़ दीजिए, आंसर मिल गया आपको। सिर्फ पावर को जोड़ना था, बन जाएगा। क्लियर है आप लोग? अभी क्या बताएं कि 1 0 को हटा देना था शुरू में बताए हैं। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है कि 4 के पावर 11, 14 के पावर 5, 11 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? आ जाइए, तो 4 के पावर 11 है तो 2 के पावर 2 = 11 कर दें, और 14 के पावर है 2 × 7 = 5 कर दें, और 11 के पावर 2 है तो 2 के पावर 22 हो जाएगा, और यहाँ 2 के पावर 5 × 7 = 5 हो जाएगा, 11 के पावर 2 हो जाएगा। अब बताइए, 2 के पावर 22 = 5 = 27, और यहां से 7 के पावर 5 11 के पावर 2। अब भाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा, फिर पावर जोड़ दीजिए, 27 × 5 = 32 + 2 = 34, आंसर आपका आ गया। क्लियर है सब लोग? चलिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए, इसी तरह से आप लोग अब बना सकते हैं। 6 के पावर 4 है तो 2 × 3 = 4 लिख लेंगे, 8 के पावर 6 है, 2 के पावर 3 अब पावर 6, 8 को 2 के पावर 3 लिख लेंगे, 10 को 2 × 5 अब पावर 8 लिख देंगे, और ये 12 को 2 × 12 है तो 2 का square × 3 लिख दे, 34 12 पावर में 10 बता दो। यहां से होगा 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 2 के पावर 36 = 18, 2 के पावर 8, 5 के पावर 8 और 2 के पावर 10 × 20, 3 के पावर 10, ठीक है? ये लिख सकते हैं। अब बता दो कि इसको क्या लिखा जाएगा, ये कितना पावर है, 2 के पावर 4, 4 = 18 = 22, 22 + 8 = 30, 30 + 20 = 50, और 3 के पावर 4 है, 4 × 10 = 14, और 5 के पावर खोजिए 1 है 8 बस। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 64 8 72 हो जाएगा, 50 64 8 72 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 30 के पावर 211 को तो लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 और 211, तो 2 के पावर 211 × 3 के पावर 211 × 5 के पावर 211, तो ये अभाज्य भाजक जो होगा, अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल दीजिए, 633 आ जाएगा। अभाज्य भाजक कितना आ जाएगा जरा बताना, 1 2 और 3, तो 633 और −3, देखिए डी नंबर आंसर जाएगा। क्लियर है सब लोग? चलिए, यानी 175 को कौन कौन, पहले 5 का square × 7 के पावर 1 लिख लेंगे, तो भाजक की संख्या पहले बताइए 2 + 1, और यहाँ से 1 + 1 यानी कि 3 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6, और 175 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, फिर आपका 5 काटेगा, और 5 के बाद 7, 7 के बाद 25 के बाद 35 के बाद 175, ठीक है?
छह संख्या भाजक निकाले हैं, तो कह रहा कितने तरीकों से गुणनफल के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो इसका तो कोई गुणनफल पूर्ण होगा नहीं, तो तीन होगा जो जिसका गुणनफल होगा, यानी छह में से तीन घटा देंगे तो तीन, डायरेक्ट भी आप तीन ले लेंगे, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीन, ठीक है। चलो आ जाओ दो नंबर, यहां से आठ नंबर प्रश्न है, चलिए आठ नंबर प्रश्न में आते हैं कि 180 के दो गुणनखंडों को गुणा करने के रूप में कितने तरीकों से दर्शाया जा सकता है। तो 180 को दो का स्क्वायर 45, नौ पाँचे 45 और चौके 180, देखिए तो फैक्टर तोड़ दिए, तो पहले यहां से आप निकाल लीजिए भाजक का संख्या दो है एक तीन, और दो है एक तीन, पांच के पावर एक है एक एक दो, तो तीन तरीके नौ दूनी 18, यानी 18 भाजक आपके आने चाहिए 180 के, और लिखना पड़ेगा अगर आपको मन है तो एक दो तीन चार पांच छ, छ के बाद नौ दस, दस के बाद बारह के बाद पंद्रह के बाद अठारह के बाद बीस, बीस के बाद तीस, तीस के बाद पैंतालीस, और पैंतालीस के बाद साठ, साठ के बाद नब्बे, नब्बे के बाद 180। कौन कौन है जो दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, तो कह रहे दो गुणनखंड के गुणा करने के, गुणनखंड है, और पीछे प्रश्न में क्या था वो अलग चीज था, देखिए पूर्ण संख्याओं के गुणनफल, यानी कि उसमें गुणनफल चाहिए पूर्ण का, लेकिन इसमें क्या है कि एक पकड़ना है जो कि दो संख्याओं का पूर्ण गुणा नहीं है, दो है तीन है चार भी पकड़ेंगे, क्योंकि चार भी दो संख्याओं का गुणा नहीं है, खुद ये दो का दो बार किया हुआ है, पांच भी पकड़ेंगे, छह को रहने देते हैं, नौ को पकड़ेंगे, नौ के बाद बारह पंद्रह अठारह तीस पैंतालीस साठ और एक 36 है यहाँ पे जो छूटा हुआ था, लेकिन 36 भी लेंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि 36 को भी कोई एक फैक्टर नहीं है, दो फैक्टर है, दो और तीन का मिश्रण है, ध्यान से अगर देखेंगे तो तीन का स्क्वायर दो का, तो दो मिश्रण है कि नहीं है, तो दो गुणनखंड, दो गुणनखंड, तो दो गुना किया कि नहीं किया, तो यहाँ से एक दो तीन चार पांच छह संख्या हटाना है, तो 18 में से जब छह संख्या हटा देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, क्लियर है सब लोग, कोई दिक्कत है यहाँ से, देख लेंगे एक बार फिर से बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए 60 के पावर 15 और 1.5, यहां से पॉइंट में है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 60 के पावर 15 है तो 60 को लिख सकते हैं दो गुने तीन, 15 चौके 60 होता है तो दो, और देखिए पंक्ति 15 चौके 60 आ गया कि नहीं, और यहां से 1.5 को 3 बटे दो लिख दे तो कोई दिक्कत है आप लोग को, 1.5 को 3 बटे दो के पावर 8 लिख दे, और यहां से डेसिमल उड़ाएंगे तो 5 दूनी 10 5 सत्ते तो 7 बटे दो लिख दे, 7 आ जाएगा। अब बताओ कि 3 2 के पावर 15 दूनी 30, और ये 3 के पावर 15 और 5 के पावर 15, 3 के पावर 8 और 2 के पावर 8 यहां से, और 7 के पावर 7 और 2 के पावर 7, बस कुछ करना नहीं है, मेरे साथ चलना है। ये देखिए 8 7 15 आया नीचे, और जब 15 नीचे से ऊपर घटेगा तो 2 के पावर 15 बचेगा, हाँ या ना बोलिए, क्लियर है, और ये 3 के पावर 15 8, 15 8 23 हो जाएगा, 3 के पावर 15 8 23 और 5 के पावर 15 हो जाएगा, और यहाँ से 7 के पावर 7 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक अलग अलग चीज है, आपको पता है ये चीज, तो ये हो जाएगा जब अभाज्य गुणनखंड पूछा तो पावर को जोड़ देना है, तो 15 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 7 30, और यहां से 30 60, यानी कि सी नंबर आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है सब लोग। चलेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 4 के पावर 10 है, 4 के पावर 10 और यहां से 7, 4 को क्या लिख सकते हैं, पहले डायरेक्ट तोड़ते चलेंगे, 2 के पावर 2 के पावर 10 और 7 के पावर 3 और 16 को 2 के पावर 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, 11 रहने देते हैं और 2 गुने 5 के पावर 2 10 को लिख दिए। अब बताओ 2 के पावर 20, 7 के पावर 3, 2 के पावर 4 दूनी 8, 11 और 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, क्यों ऐसा करते हैं,
हमको अभाज्य के रूप में तोड़ना है, 10 अभाज्य संख्या नहीं था लेकिन 2 और 5 अभाज्य संख्या है, तो इसको जब तोड़ के जोड़ेंगे पावर को तो 20, 8, 28, 28, 32, ठीक है। और 5 के पावर कितना है? 2, और 7 के पावर 3, और 11 के पावर 1। देखिए अब 20, 8, 23 हो गया, 30, 20, 8, 28, 32 हो गया, 5 का स्क्वायर है 7 का 3, ठीक है। यहां से अब कह रहे कुल संख्या भाज्य का, तो जोड़ दीजिए पावर 30 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 32 और 3 35 और 1 36। ऑप्शन में बी नंबर लगा लीजिए। यहां से है कि 5 गुने 10 गुने गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है टाइप 4 का नंबर ऑफ जीरो जो निकालना था, तो 5 गुने 10 गुने 25 और गुने 40 और गुने 50 गुने 55 गुने 65 गुने 125 गुने 80, इसका शून्यों की संख्या निकालना है। तो 5 रहने देते हैं, इसको 5 गुने 2 लिख लेंगे, ठीक है। और 5 का स्क्वायर, और ये 8 गुने 5 लिखेंगे, 25 गुने 2 लिखेंगे, और 5 गुने 11 और 5 गुने 13 और 25 5 का, और ये 16 गुने 5 दिख रहा है उधर, देखिए 80 को 16 गुने 5 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 80 को 16 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं, ये पहले बताइए। अब ये प्रश्न है हमारा, जो शून्यों की संख्या बता दो किस पे निर्भर करता है, 2 और 5 पर। तो 2 और 5 पे, तो 2 कितना बार है? 1 बार, और यहाँ 3 बार है, 3 1 4 बार, 4 बार, और यहाँ पे 16 गुने 5 लिखे हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा फिर से लिख देते हैं, 16 गुने 5, 16 का मतलब 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 है यहाँ पे, 1 बार है यहाँ पे, 4 1 5 12, 5 3 8 बार, 8 1 9 बार, तो 2 के पार 9 हो गया। 5 क्या बार है? 1 एक 2 बार, 2 4 बार, 4 1 5, 5 2 7, 1 8, 1 9, 9 3 12, 1 13 बार। तो शून्य की संख्या पावर जो कम होता है उसी को पकड़ लेते हैं, यानी कि 9 हो जाएगा। आपको क्लासरूम में पूरा डिटेल बताएं कि शून्य की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करता है, आप बना कर देखेंगे बन जाएगा। इसमें कह रहा अंतिम में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो 15 के पावर 15 है और 45 के पावर 45 है और 8 के पावर 16 है। बस यहाँ से 5 गुने 3 लिख देंगे और 15, हम तो तोड़ेंगे नहीं पूरा लेकिन आपके लिए भी तोड़ रहे हैं, 9 गुने 5 है 45 और 2 के पावर 3 और यहाँ से 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से मतलब है, 3 से मतलब ही नहीं है, 9 से भी मतलब नहीं है। तो 5 के पावर 15 और 5 के पावर 45 और 2 के पावर 16 और 3 48, ठीक है। अब बताइए कि 5 के पावर ये 45 और 15 60 और 2 के पावर 48, शून्यों की संख्या कम वाला है कि नहीं है? 48 ऑप्शन में देखो, यहाँ पे व्यंजक 2 के पावर 222 गुने 5 के पावर 555 के गुणनफल में अंतिम, तो बस पावर कम है उसी को ले लीजिए, 222 हो गया क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में पहले से है। चलो 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न है कि 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5, इस तरह से देख रहे हैं, तो शून्यों की संख्या कितना है? तो 2 कै बार है ये बता दीजिए पहले, 2 1 बार है और 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16 और 16 3 19, यानी 2 के पावर 19 आया। और ये 5 कितना बार है? तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 12 8 20, 20 और 10 30, तो 5 के पावर 30, पावर किसका कम है? 2 का, तो बस 19 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, 2 के पावर 1 है, 1 और 3 4, 4 5 9 और 9 7 16, 16 3 19, और 5 कितना बार है? 8, 8 6 14, 14 14 4 18, 18 2 20, 20 10 30, 19 आंसर होगा इसका, शून्यों की संख्या, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, 30 गलती से लिखा हुआ है, 19 होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, प्रश्न खत्म हो गए सारे, जितने भी प्रश्न थे सब खत्म हो गए। तब तक के लिए राधे राधे।